आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी विषय में, जिससे हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। उपसर्ग यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मूल शब्द है देश। देश से कई शब्द बनते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, एरे लगाकर हमने बताया है कि स्व आगे लगाने से बना है स्वदेश, वी लगाने से बना है विदेश, उप लगाने से बनाया है उपदेश, अनु लगाने से बनाया है अनुदेश। तो जो मूल शब्द है देश, देश के आगे स्व, वी, उप, अनु, इन शब्द लगाकर, जो उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इन शब्द के साथ जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। तो ये स्वतंत्र अर्थ वाले नहीं है, लेकिन दूसरे शब्द के साथ जुड़ने से एक नया शब्द, जिसका एक नया अर्थ निर्माण होता है, इसे हम लगाते हुए शब्द बना सकते हैं। तो शब्द के आगे जो शब्द लगता है, हाँ, तो मित्रों आप इसे हरेक शब्द के हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं नी, श, औ, दूर, शम, वी, प्र, उप, श्व, वी, उप, अनु, इन सभी शब्दों से, जैसे आप देख सकते हैं कि नीर लगाकर हुआ तो निर्गुण, स लगा के हुआ सगुण, अवबल लगा के हुआ अवगुण, दुर लगा के हुआ दुर्गुण, सम लगाकर हुआ संयोग, वी लगाकर हुआ वियोग, प्र लगाकर हुआ प्रयोग, उप लगाकर हुआ उपयोग, स्व लगाकर हुआ स्वदेश, वी लगाकर हुआ विदेश, उप लगाकर हुआ उपदेश, अनु लगाकर हुआ अनुदेश। तो जो मूल शब्द है गुण, योग, इन सभी शब्दों के आगे जो स्वतंत्र नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नी, श, औ, इन सभी शब्द के साथ जुड़ने से एक नया शब्द होता है। तो मित्र यहां आप देख सकते हैं कि शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाला ऐसा शब्दांशों को हम उपसर्ग कहा जाता है। मित्रों अच्छी तरह से आप समझिए फिर से कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे जो यहां स्क्रीन पर एरा लगा कर हुआ मैं देखाता हूं, इन सभी से हुआ तो इसे एक नया शब्द जुड़ जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो मूल शब्द के आगे जो शब्द लगता है, जो भाषा में उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, फिर भी उनके साथ जुड़ने से एक नया शब्द बनता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। फिर से इसकी संकल्पना समझिए कि शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाला जो शब्द होता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ उपसर्ग के ऐसे कई अर्थ है जो आपके, मैं यहाँ दो तीन बताता हूँ, आपके पाठ्य पुस्तक में यह बताया गया है। देखिए ये अ, तो कि कभी नहीं, निषेध, इसका अर्थ होता है, उदाहरण है अज्ञान, अनम, अमार, अशुद्ध, अचूक, ऐसे कई जो शब्द है इनसे बनता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसे देखते हैं, देख सकते हैं, इसका आपको इस बुक में लिखना भी है और समझना भी है। जो अन शब्द है तो उनका मूल अर्थ है नहीं, अभाव, निषेध, और अन लगा हुआ है तो अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल, तो यह सभी मूल शब्द के आगे लगा है, इसलिए इसे उपसर्ग कहते हैं। कैसे हुआ तो इसका मूल अर्थ है बुरा, बुरी, कपूत, इसे बन सकते हैं। कुसे हुआ, बुरा बुरी, तो कुपुत्र, कुसंग, कुकर्मा और कुसमय। यानी आपको अब समझ में आया होगा कि जो मूल शब्द के आगे है जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पूरी तरह से समझना मित्रों कि मूल शब्द के आगे जो लगा है इसे उपसर्ग कहते हैं। तो अच्छी तरह से आप